नमस्कार साथियों, आपका लवली पल किचन एंड क्रिएटिविटी चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी खीरा और प्याज का रायता। सबसे पहले क्या करेंगे, एक खीरा लेंगे, दो प्याज लेंगे। प्याज को खीरे को छील के अच्छे से धुल लेंगे। धुलने के बाद में क्या करेंगे, अब खीरे को और प्याज को ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं इसको या ग्राइंड कर लें। ये देखिए मैं ग्राइंड कर रही हूँ, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये हेल्थ के लिए भी रायता बहुत अच्छा होता है, प्लस टेस्टी को बहुत ज्यादा लगता है। खीरे को चॉप कर लिया है, अब प्याज को चॉप कर लिया, प्याज को ग्राइंड करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए खीरा और प्याज दोनों ग्राइंड कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, मट्ठा तैयार करेंगे। मैंने घर का ही मट्ठा लिया है, उसको अच्छे से भा लेंगे, फेंट लेंगे। फेंटने के बाद में इसमें थोड़ा ठीक रहेगा तो इसको पतला करने के लिए आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे। फिर इसको चला लेंगे अच्छे से। चलाने के बाद में क्या करेंगे, इसमें रायता मसाला एक आधा चम्मच, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, भुना जीरा उसी मट्ठे में ऐड करेंगे चीजें। एक चम्मच घर का पिसा हुआ हरा नमक, ये देखिए नमक मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। काली मिर्च एक पिंच, हींग, सारी चीजें ऐड करने के बाद में इसको फेंट लेंगे। फेंटने के बाद में जो ग्राइंड करके प्याज और खीरा रखा उसको ऐड कर देंगे इसी मट्ठे में। ये देखिए ऐड कर दिया, फिर उसको अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद में उसका तड़का लगाना, तड़का तैयार करेंगे। तड़का लगाने के लिए क्या करेंगे, तड़का पैन लेंगे, उसको गैस ऑन करके रखेंगे। गैस ऑन करने के बाद में जब तेल, इसमें सरसों का तेल ही यूज करना, उसी का तड़का सबसे अच्छा आता है। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें जीरा ही ऐड कर देंगे। और तड़का लगाना है, तड़का जो है वो रायते में डालना है, फिर उसके बाद में तुरंत ढक देना है। उससे क्या होती है, जो तड़के की महक होती है वो उसी के अंदर समाहित हो जाती है। ये देखे तड़का लगा दिया है, इसकी सौंधी सौंधी तड़के में जीरा और हींग डालना था। आप चाहे तो इसमें करी लीव्स भी डाल सकती हैं। ये देखिए रायता बनके बिल्कुल रेडी है। ये रायता बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।